एमपी के अजगरा विधानसभा में वोटरों ने जमकर मतदान किया। कोई भाजपा को तथा कोई सपा के सर पर जीत का सहरा बांधने की बात कर रहा है। बहरहाल सभी प्रत्याशियों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई है। ग्रामीणों ने किस मुद्दे पर मतदान किया है, आइए जानते हैं मतदाताओं से उनकी राय। मैं लाइव टीवी समाचार से बिलवरिया ग्राम सभा के मतदान केंद्र से 200 मीटर दूर पे खड़े हैं और कुछ युवा लोग मतदान करके वापस आ रहे हैं, आइए उनसे रूबरू होते हैं। बताइए ये किस मुद्दे पे आपने मतदान का प्रयोग किया? मतदान हम लोग बेरोजगारी, शिक्षा के लेकर के, शिक्षा का जो है भी एकदम से ख़त्म हो चला है। पहला मुद्दा, दूसरा मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी। नजर जो है कि हम लोग सड़कों पर घूम रहे हैं और इसी की वजह से हम लोग जो है कि बदलाव चाहते हैं। आइए कुछ यहाँ पे और युवा हैं, हम युवाओं से बात करते हैं, उनका क्या राय है, वो किस मुद्दे पर वोट दिए हैं। बोला भाई, कुछ बोला, बोला जा पढ़ा। आपने पहली बार अभी वोट दिया होगा मेरे ख्याल से, आपका क्या अनुभव रहा वोट देने के बाद, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। क्या महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं। मुद्दा क्या रहा है आपका? मुद्दा रहा बदलाव की, इस बार बदलाव लाना है। किस मुद्दे पर आपने वोटिंग किया? हम तो बस जिस मुद्दे पर वोटिंग किया है, बाकी परिवर्तन आ जाए। बहुत बेरोजगारी से परेशान हम लोग हैं, किसी काम नहीं मिल रहा है, मिल रहा है तो बेरोजगार बैठे हैं, क्योंकि ऐसे हो भूखे ही मर रहे हैं। कितने लोग तो कहाँ कहाँ से कैसे पैदल ही आए, साधन नहीं मिला किसी लोग को, इस वजह से हम लोग डाले हैं। आप भी कुछ बोलिए सरकार के जो मत का प्रयोग किया उसके बारे में कुछ बताइए, क्या मुद्दा रहा आपका? लेकर नौकरी को लेकर के, और हम लोग मांग रहे हैं नौकरी, ये लोग दे रहे हैं आटा, तेल और चना, इससे आप अपनी लड़कियों का शादी कर पाएंगे? हम कह रहे हैं आपका अपना परिवार है, जमीन है, सब कुछ है अपना, आप कह रहे हैं इसको बेचिए, ये अच्छी बात है? ऐसे तो भैया घरे में बाहू बुजुर्ग भी बूढ़े खराब पड़े हैं, उनको बेचिए, ये बात सही है कि नहीं? ये सभी बेच रहे हैं और बता रहे हैं इससे हमको घाटा हो रहा है, ऐसे तो बाप पिता से भी घाटा हो रहा है घर में, उनको भी बेच के हटाइए। हम मांग रहे हैं, और जिसको खेत नहीं उसको क्या दिक्कत है, जिसको 4 बीघा खेत है उसको ना दिक्कत है, साढ़ भैंस का ऐसे इनके बात सही है। और 4 किलो आटा से आपके बेटी का शादी हो जाएगा? आप हम गरीब लोगों के लिए एक ऊपर उठने का साधन नौकरी ही था कि हम अपने बच्चों को गरीबी से पढ़ा लिखा कर बढ़ाएंगे तो वो नौकरी पाएंगे, हमारा परिवार उठेगा, लेकिन ये आटा नून तेल में फंसाए हुए हैं हम लोग को। जय अखिलेश। आप पहली बार मतदान करने जा रही हैं? यस सर, ये मेरा फर्स्ट मतदान है। कितना खुशी है आपके अंदर? खुशी तो है, बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि ये मेरा पहला वोटिंग है, मतलब मैं अभी अपने नेशनल में मतलब फर्स्ट टाइम ऐसे। मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पर आप मतदान करेंगे? सर जहाँ तक मेरा मानना है कि हम विकास को देखें, मतलब देश के विकास की बात करें, तो देश के इतने अगर कार्य करने की बात करें, तो जहाँ तक हमारे योगी जी हैं, उन्होंने आज तक जो भी मतलब कार्य किए, जो भी मतलब शिक्षा को लेकर या प्राइमरी स्कूलों को देखा जाए, या तो हमारे मतलब पास आज तक हमने जहाँ तक देखा कि एक आइए और हैं कुछ लोग बात करते हैं उनसे। क्या नाम है आपका? शिवांगी पटेल। आप पहली बार मतदान करने जा रही हैं या इसके पहले भी आपने किया है? फर्स्ट टाइम। कितनी खुशी है आपको, कैसा लगता है मतदान करने में, अब क्या हर्ष है आपका? किस मुद्दे पर आप वोट करेंगे? देश के विकास को देखते हुए। पिछली सरकार से आप कितनी प्रभावित हैं? बहुत हद तक प्रभावित हैं। चलिए और आइए कुछ और लोग हैं, जानते हैं। क्या नाम है आपका? आपने अभी वोट किया कि नहीं? हाँ, दो बार किए हैं मोदी जी को।
किस मुद्दे पर आप वोट करने जा रही हैं? सर, देश का विकास हो, बस उसी के लिए करने जा रहे हैं। आपका दिनेश कुमार, क्या आपने मतदान किया? भाई, मतदान हमने अपना जो करना था कर दिया उसको। मुद्दा क्या रहा आपका? मुद्दा सब बढ़िया है। बढ़िया है। पिछली सरकार से आप कितने संतुष्ट हैं? पूरे संतुष्ट हैं। आइए, कुछ और लोग हैं, हम माताएं हैं, उनसे माता से भी बात करते हैं। बहुत लोग यहाँ पर बुजुर्ग बैठे हैं, कुछ भी मिल नहीं रहा है। बहुत सा यहाँ विधवा वृद्धा आदमी और मेहरारू सब बैठे हैं, कुछ भी मिलन नहीं रहा भैया। यह मोदी खाली गेहूँ और चावल दे रहा है और कुछ हम लोग के फायदा नहीं मिल रहा। हमारे द्वारे सड़क है और पानी डूब रहा है, क्यों नहीं सुन रहा है? अब बताओ हम क्या कर ले। यहाँ पर हमारे अगल बगल कम से कम 20-25 लोग मेहरारू और मन से दुआ हैं, वो लोग के क्यों बतवा सुनवाई नहीं सरकार है, कौन से भाव ने कहा लिया। आइए, कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। विधवा पेंशन, राशन कार्ड। आपने मतदान किया क्या? मतदान वोट दिया कि नहीं? वोट दिया कि नहीं आपने? वोट दिया। आपने किस मुद्दे पर वोट दिया है? जी, आपने वोट दे दिया? हाँ, हमने दे दिया। किस मुद्दे पर आपने अपना मतदान दिया? दिया हमने बिजली लाइट, जो बिजली पहले थी आज अच्छी है। और क्या मुद्दे रहे आपके? और मुद्दे भी मतलब हमारे गांव में जो जन निगम थोड़ी सी शिकायत है वो भी सही हो जाए, यही इच्छा। पिछली सरकार से आप कितने प्रभावित? बहुत कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है, लाइट बिजली बिकती है, सब तो हम लोग किया है। आइए, कुछ और लोग हैं, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार वर्मा नाम है सर। किस मुद्दे पर आपने वोट किया? विकास के मुद्दे पर वोट दिए हम। जी, बहुत बढ़िया है, पहले से विकास हम लोग को हुआ है, रोड भी हुआ, बिजली बत्ती हुआ है पहले से। पहले तो एक हफ्ता लाइट नहीं आती, एक महीना नहीं आती थी, अब तो पूरे दिन लाइट आ जाती है, इससे हम खुश हैं। विकास के मुद्दे पर खुश है, रोड लाइट बत्ती सब है, बढ़िया है सर, इसी मुद्दे पर वोट दिए। लेकिन विपक्ष तो कह रही है कि पिछली सरकार ने कोई भी विकास नहीं किया। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये सब तो विपक्ष वाले तो रहे कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो लगा रहता है। वो दोष दे रहे हैं कि मोदी की साड़, योगी का साड़। ये गलत बात है, विपक्ष वाले तो 101 बात कहते हैं, गलत बात है। तो मतलब कुल मिला जुला करके आपने विकास के मुद्दे पर अपना वोट किया? वोट दिए, बहुत बढ़िया है, सबको राशन मिल रहा है, घर पर और अच्छा काम भी हुआ है, अब तक जितना हुआ है कोई खराब भी नहीं काम हुआ है। वोटर हैं, मतदाता हैं, आपको कितना हर्ष है प्रथम बार वोट करने का? बहुत बड़ा। किस मुद्दे पर आप वोट कर रहे हैं? मुद्दा तो बहुत है, कितना बताएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा बताने में। फिर भी कुछ पिछली सरकार से जो सब परेशान है, अभी हम अपने रिलेशन में भी फोन किए हैं, हर जगह समाजवादी पार्टी, गठबंधन की सरकार बनेगी। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि किसकी सरकार बनेगी, मैं आपसे बस जानना चाहता हूँ कि मुद्दा आपका क्या रहा। मुद्दा भैया जो रहेगा वही ना बोल रहे हैं, हम कहाँ बोल रहे हैं, सरकार बनेगी हमारी, हम कह रहे हैं। हम इस समय अजगरा ग्राम सभा, अजगरा विधानसभा के बेलवरिया ग्राम सभा में है और यहाँ पे कुछ महिला मतदान दे करके वापस लौटी है। आइए हम जानते हैं कि इन्होंने किस मुद्दे पर अपना वोट किया है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? आपने किस मुद्दे पर वोट दिया है? हम मोदी के देले हैं। हम ये आपसे नहीं पूछ रहे हैं कि आपने किसको वोट दिया, हम पूछ रहे हैं आपने किस मुद्दे पर वोट दिया है। मोदी की। पिछली सरकार से आप कितनी संतुष्ट हैं? बहुत खुश हैं। हमने देखा मोदी पर तो भाई, हमने के देखा खेत बाड़ी हो नहीं, हमने के खाए के देते हैं तो हमने वही पर खुश भाई। आइए, कुछ और लोग हैं, जानते हैं। क्या नाम है माता जी? चंपा। किस मुद्दे पर आपने वोटिंग किया है? मोदी के। अरे आइए, हटिए हटिए।